कैसी सच्चाई, क्या कहना चाहते हैं आप? मरियम साहिबा, आप खुद बता दीजिए ना, आज क्या किया है आपने? कैसे वो गंदगी के बीच में से क्या बता दीजिए। यूनुस मियां कुछ नहीं कहेंगे, बहुत नेक दिल और साफ दिल इंसान है, अल्लाह वाले हैं ये। ये राज क्यों खोल रहे हैं नहीं पड़ोसी के मामू जान? क्या किया इन्होंने बताइए मरियम, और ये सब आप कैसे जानते हैं? हमें मामू बात भी करते हैं, ये चलिए मियां बात को संभाल रहे हैं हम। क्या कह रहा है ये आदमी, बताओ ना जी। वो हम अच्छा तो चलिए हम ही बता देते हैं, वो आज मोहतरमा ने कई लोगों की जान बचाई है। याला ये क्या कह रहा है, पता नहीं अम्मी। वो हुआ यूं था कि रोड पर एक कार एक्सीडेंट हो गया था और हम वहां से ऑटो से जा रहे थे और हमने देखा कि मोहतरमा ने एक एक करके सबको बाहर निकाला। फिर वहां क्या ग्रीस, क्या गंदगी, क्या कीचड़, किसी की परवाह नहीं की। क्या जज्बा था इनके अंदर, आहा हा, पुलिस आर्मी सब फेल थी इनके आगे। इनके अंदर तो वो जज्बा दिख रहा था हमें जो वो झांसी की रानी में होता है, वो किरण बेदी में होता है, वो जो कल्पना चावला में था, वो जज्बे के साथ में ये एक एक करके सबको बाहर निकाल रही थी। बहुत से लोग तो मदद के लिए आए भी नहीं, इनको देख के सब मदद के लिए टूट पड़े और बहुत से लोग तो तालियां बजाने लग गए थे इनके लिए। क्यों नज्जो, तुम भी थी ना बेटा वहां? तो हम हमें पूरी बात तो बताने, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। क्या जरूरत थी दूसरों के मामले में पड़ने की, और कहीं पुलिस का चक्कर हो जाता तो? बड़े अभी तो कहते हैं अल्लाह का फरमान है दूसरों की जान बचाने वाला। हाँ ठीक है ठीक है, मरियम जाइए कपड़े धो लीजिए, नहीं तो वो दाग रह जाएंगे गिरी से। रजमा जी बड़े अब्बू, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? एक्सीडेंट तो सड़क पे ही हुआ था बड़े अब्बू, हम अभी अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं। मरियम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और स्पेशल इंसान को देखिए, मरियम की कहानी सुना रहा है और खुद इसने कुछ भी नहीं किया होगा, बेहिस इंसान। बिल्कुल चुप रहिए, ना आज आप हिलेंगे ना कोई बात करेंगे, खोल देंगे खाने के लिए। ये देखिए नए पड़ोसी ने अपने मामू जान को कैसे बांध रखा है। क्या हुआ इमरान साहब, आपने इन्हें ऐसे बांध के क्यों रखा है? आपने देखा नहीं आज इनकी बकवास बंद तो होती नहीं है, बोले चले गए जी। आज थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर आप प्लीज इन्हें खोल दीजिए। गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा था लेकिन इनकी वजह से आज हम बच गए। प्लीज इमरान साहब खोल दीजिए इन्हें। रहने दीजिए मरियम भी, एक दिन इनके मुंह पे पट्टी बंधी रहेगी तो हो सकता है कि ज़बान काबू में आ जाए। प्लीज प्लीज बोलेंगे नहीं लेकिन आप अल्लाह तू देख रहा है ना क्या सिला मिल रहा है हमें नेकी करने का। अरे झूठ बोलने वालों को अल्लाह मियां हर वक्त देख रहे होते हैं। अमाता झूठ बोल का फायदा किसको हुआ, वो तो देखो यूनुस मियां और उनकी बेगम ने तो रिसर्च कर ली थी ये ग्रीस और मिट्टी के तेल के ऊपर। पर अल्ताफ साहब आपने तो हमें झांसी की रानी ही बना दिया, कहां से सोचता है ये सब आप लोगों को? आप लोगों का क्या मतलब, हमने क्या कहा आपसे? नहीं वो हमारा ये मतलब नहीं। क्या मतलब है आपका, हमने आपको झांसी की रानी कहा है? हाँ तो है हमारी अम्मी झांसी की रानी, आपने नहीं देखा कैसे हमारी अम्मी ने उस गंदे से गैराज को एक टेनिस कोर्ट में बदल दिया जिसको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे। खैर अब जो भी हो अल्ताफ साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, किसी को तो एहसास हुआ। मांजे खाना खा ले मियां। हाँ आप लोग खाना खा लीजिए, नज्जो चलिए आपको भी सोना है। अल्लाह हाफिज, शब बखैर। अल्लाह हाफिज। मां कसम ये जुल्म हुआ है हम पर और इसका बदला हम जरूर लेंगे। एक सेकंड में पट्टी और रस्सी बांध देंगे हम वापस।
ये तो कुछ गिरा है बाहर, देखो तो। अब ये क्या नहीं मुसीबत? नहीं पड़ोसी, वो हमारे अब्बू का नेट है, कल लेते आइएगा। मरियम भी एक मिनट, हमें बुला रहे हैं। जी पहले हम जूते लेके आते, अब ये नेट भी उठा के लाए। भैया आप लोगों ने हमको समझ के रखा है। अरे गुस्सा मत होइए, कोऑपरेट कीजिए आप भी हमारी तरह। इमरान साहब हमारे लिए दिन में ये नेट लेकर घर से निकलना बहुत मुश्किल है, और आपने देखा ना आज क्या हुआ। अरे मोहतरमा आप फिक्र मत कीजिए, हम ले आएंगे। हम आए ले आएंगे हम। जी शुक्रिया। पर अम्मी कल बड़े अम्मी को क्या कहेंगे कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं? कीर्ति तुमने हमारी अम्मी को फोन कर दिया है ना? ग्रेट, थोड़ी देर में ना सलमा को भी कह देंगे फोन करने के लिए, जब हम मिस कॉल देंगे तब, समझी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम सब अप्पी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुनो, आज किसी भी कीमत पे ना फैशन ट्रायल को मिस नहीं कर सकते, समझी? हेलो बच्चा नाश्ता कर। क्या नया शुरू कर दिया है तुम दोनों ने? कौन है ये सहेली? नचो की क्लास में है, साथ में पढ़ते हैं दोनों, और जॉइंट असाइनमेंट मिला है तो इसीलिए। अरे तो उसे यहाँ घर पे बुला लो, इसे रोज रोज किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। बड़ी अम्मी जो हमारी दोस्त है ना उसकी अम्मी की तबीयत खराब है तो वो आ नहीं सकती। हाँ भाभी अगली बार हम उसे यहाँ बुला लेंगे, वो आज नचो कह चुकी है तो जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कॉलेज नहीं गई? अम्मी वो कॉलेज, अम्मी आज संडे है, जैसे हमारी छुट्टी वैसे सबा आपी की छुट्टी। सबा कीर्ति का फोन आया था हमारे पास, कह रही थी कोई इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ अम्मी है तो, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। अरे भाई क्यों, इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास है ना। अम्मी हम कीर्ति से नोट्स ले लेंगे। अच्छा ठीक है। या अल्लाह नजमा कैसे खा रही हो, आराम से खाओ बेटा। नीचे बड़े अम्मी। नजमा अप्पी यहाँ जा रही है, हम भी चले? अरे हाँ मजा आएगा, हम भी चलेंगे। अम्मी हम भी जाएं नज्जो के साथ, छोटी अम्मी भी है हमारे साथ। आखिर पता तो चले कहाँ जा रही हैं ये दोनों। हाँ ठीक है जाओ। अरे हाँ हम तो नहीं जा सकते अम्मी, हमारा बहुत होमवर्क है, और वकार भाई जान आपका भी। हमारा नहीं, हमारा नहीं है होमवर्क। है। हाँ ठीक है। नजो देरी हो रही है बेटा, चलिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ सलमा। नहीं नहीं हमारा बिल्कुल मन नहीं आने का, हम तुमसे नोट्स ले लेंगे, हम नहीं आ रहे आज। अरे बेटा चली जाओ ना, पढ़ाई जरूरी है, जाओ। अच्छा अम्मी ठीक है हम आ रहे हैं, अम्मी कह रही है कि हमें आना चाहिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ठीक है अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे लेकिन सबा नाश्ता तो करती जाओ। अभी अम्मी को कितनी आसानी से उल्लू बना गई ना। अम्मी को नजमा अप्पी के जाने से प्रॉब्लम थी, और अभी सबा अप्पी को खुद बेचती। क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा
इसको आईंदी, मतलब लो हो गया। और ये भी चेक कर लिया मियां, फिट। लो मियां, हो गई तैयारी, आज से अभी से प्रैक्टिस शुरू की जाए। चलिए आप हमारी हेयर प्रैक्टिस देखेंगे। अंजु, शुरू करें। आपको एक बात का ख्याल रखना है अंजु, कि आपका हर एक्शन, हर शॉट आपके अब्बू देख रहे हैं, इसलिए जम के खेलना है। आप सर्व करेंगे? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपना बॉडी बैलेंस सीधा रखिए वरना आपको चोट भी लग सकती है। सॉरी। डू इट अगेन, स्टांस। नहीं, भला किया है ना हमने आपको, आप ये क्या स्टांस ले रही हैं? हमको देखा आपने ऐसे करते हुए। अरे आप तो प्ले रह चुके हैं, हम सीख रहे हैं ना। नजमा बहस नहीं करिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए, कम ऑन। तो बस क्या, आपको खेलना है कि नहीं खेलना है? हम कब से रेडियो सर्व करने के लिए आप ही बातें किए जा रहे हैं? हम बातें किए जा रहे हैं? हाँ बच्चो। अम्मी आप ही बताइए, ये बहस कर रही है या हम? हम बहस कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं। हम आप इन दोनों के बीच में तो हमेशा कोई ना कोई रेफरी चाहिए। नच्चो वक्त कम है हमारे पास बेटा, बहस करने से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए ना आप लोग। आप लोग क्या मतलब है आप? हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे? नहीं जी, हम वो क्या मतलब है आपका मरियम, कि आप दोनों अपने आप को समझती क्या? अरे मियां इमरान छोड़ो यार, नजमा जल्दी से सर्विस करो। अच्छा। वाह क्या बात है बच्चा, बहुत खूब, बहुत अच्छा मारा शॉट बच्ची ने। एक मिनट। हेलो, हाँ सलाम अलैकुम ज़ेबर, कैसी हो? अच्छा एक मिनट, ये पकड़िए। पड़ोसी के मामू जान, ये ज़ेबा कौन है? बेटा ज़ेबा इमरान की चाचा की लड़की, दिल्ली में पढ़ती है, उनके अम्मी अब्बा चल बसे हैं तो सारा खर्चा उसका इमरान ही उठाते। इमरान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जी बिल्कुल, हमारे इस हीरे को आज तक किसी ने पहचाना नहीं। मामू ये ज़ेबा का फोन आया था, आपने अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए उसके, 3 दिन हो गए मामू। हाँ मियां हमें पता है। पता है तो क्यों नहीं डलवाया? वो हॉस्टल में, आप जानते हैं ना, वहां एक दिन पैसा लेट हो जाए तो वो डाइनिंग हॉल के पैसे नहीं दे सकते, वो क्यों परेशान हो रही, वहां क्यों नहीं डलवाया? आपसे एक बात करनी है। आप कर लीजिए हमसे बात, लेकिन मामू आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालने का मतलब है तो वो काम कभी नहीं होगा। मियां आओ ना। अरे आप सीधी तरह बताते क्यों नहीं, आप भूल गए और कोई बात नहीं? अरे भूले नहीं है मियां, मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है आपकी? मियां हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। पैसे नहीं? हाँ मियां, वो जितने थे ना हमसे तुम्हारे इलाज में खर्च हो गए, और तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से तुम्हारी तनख्वाह रुकी हुई, तुम्हें पता है ये बात। अब कैसे डालते ज़ेबा के अकाउंट में पैसे? हैं? करेंगे क्या मामू? मैं ज़ेबा को पैसे नहीं भेजे तो? Get lost, okay? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी फ्रेंडशिप। ऐसे मत बोलो, हम तुम्हारी फ्रेंड है ना। आवर फ्रेंडशिप इज ओवर, ओके? सीरियसली तुम हमारे टाइप की हो ही नहीं, सो जस्ट गो अवे। ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए हमें। प्लीज ऐसे मत कहो, मिस ब्यूटी यूनिवर्स को रोना आ
रहा है वो भी मगरमच्छ के आंसू. चलो जाओ यार प्लीज. चलो नहीं देखने तुम्हारे आंसू. प्लीज गो. प्लीज प्लीज सबा जस्ट गो. सबा आ रही हो क्या? सबा आई नो एवरीथिंग. कीर्ति और सलमा को तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. तुमने सुना ना कैसे एक झटके में उन लोगों ने इतनी थिक फ्रेंडशिप तोड़ दी. प्लीज सबा रो मत. I'm with you. देखो देखो ये मैसेजेस. पता नहीं कौन है जो मैं इतने दिनों से परेशान कर रहा है. अच्छा कौन? I don't know. I have no clue. आयान तुम उसको कॉल करो हमारे फोन से. हम? तुम फ्रेंड हो हमारे, बात करो उससे. क्या हुआ तुम्हें? कॉल हिम. अच्छा हम उसका नंबर ले लेते हैं, हम उसे बाद में कॉल कर लेंगे. बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी कॉल करोगे तुम उसे? क्या हुआ? देख क्या रहा है? कॉल कर. For your kind information, Mr. Ayan, हमारे बीच की लड़ाई फेक थी. सबा जानबूझ के आई थी ये क्लासरूम में ताकि हम वॉच कर सके कि कौन उसका पीछा कर रहा है. तो तुम हो जो इतने दिनों से हमें परेशान कर रहा था और हम तुम्हें इतना शरीफ समझते रहे. हम तो तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड समझते थे और तुम ऐसे निकले. जी आई थिंक हमें इसे प्रिंसिपल सर के पास लेके जाना चाहिए. ओह या आज तो हम तुम्हें रेस्टिकेट करवाते हैं. चल तू अभी. सबा प्लीज हमें तुम्हारी दी हुई कोई भी सजा मंजूर है. तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास मत लेके जाओ प्लीज. क्यों? रस्टिकेट होने से डर लगता है? प्लीज समझने की कोशिश करो. हमें सबा की दी हुई कोई भी सजा मंजूर है. तुम्हारी सजा रस्टिकेशन है, समझे? मतलब हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा. राइट ठीक है हम कल से कॉलेज नहीं आएंगे. आई प्रॉमिस कभी नहीं आएंगे. अगर यही सजा है हमारी तो यही सही. यार तू क्या आदमी है? तू ऐसे कॉलेज छोड़ देगा? दो महीने बाद एग्जाम्स है, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा तेरा. वो सजा हमारी होगी लेकिन अगर प्रिंसिपल सर तक ये बात पहुंची तो सबा को भी सजा मिलेगी बिना कोई गलती किए हुए. मतलब अगर प्रिंसिपल सर ने हमें रेस्टिकेट कर दिया तो सब लड़कों को रीजन पता चल जाएगा, सबा कॉलेज में बदनाम हो जाएगी. और अगर सबा के अब्बू को पता चल गया तो सबा के अब्बू इसे घर में बिठा देंगे. फिर इसके फेस्ट में फैशन शो, एजुकेशन, सब अधूरा रह जाएगा. बात तो होगी. फोटोज कौन खींच रहा था? मैसेजेस कौन भेज रहा था? और हमारे अब्बू को पता चल गया तो? सबा प्लीज बिलीव मी, हम तुम्हारा नुकसान होते हुए कभी नहीं देख सकते. तो एक बात बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे थे? बोलो. कौनसा? बोलो. आई व्हाट? बोलो क्या? कौनसा? आई लाइक हर. Are you mad, Ayan? तुम भूल रहे हो सबा कौन है और तुम कौन. Listen, just stay away from me. अगर आज के बाद हमारे आसपास दिखने की कोशिश भी की ना तो प्रिंसिपल के पास ले जाकर तुम्हारी शिकायत कर देगी. समझे? Just leave now. Leave. सबा calm down. प्लीज
ये ज़ेबा कौन है? बेटा ज़ेबा इमरान की चाचा की लड़की है, दिल्ली में पढ़ती है JNU। उनके अम्मी अब्बा चल बसे हैं तो सारा खर्चा उसका इमरान ही उठाते हैं। मियां हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है यार, जितने थे ना हमसे तुम्हारे इलाज में खर्च हो गए, पर तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से तुम्हारी तनख्वाह रुकी हुई, तुम्हें पता है ये बात। अब कैसे डालते ज़ेबा के अकाउंट में पैसे? या अल्लाह, तूने ही तो कहा था कि तू किसी इंसान को इतना दर्द नहीं देता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके, फिर इमरान साहब के साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्यों उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहा है? अपने पास रख लीजिए। आपकी प्रैक्टिस का क्या होगा? आप रोज सुबह नहीं ले आइएगा? क्या मतलब, हम क्या कुली हैं आपके? आपका सामान यहाँ से वहाँ लेके घूमते रहेंगे? आपको एक बात का ख्याल रखना है ना, आपका हर एक्शन हर शॉट आपके अबू देख रहे हैं, जम के खेलना है। हमारी नजमा के लिए इमरान साहब इतना कुछ कर रहे हैं और हम, काश हम कुछ कर सकते इनके लिए।